नमस्कार दर्शकों, आप लोगों का स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल का पहली बार विस्तार किया है अपने एनडीए 2 के शासनकाल में। 2 साल बाद मंत्रिमंडल एक नए रूप में आया है, एक बहुत बड़ा मंत्रिमंडल, एक नई ऊर्जा, एक नए उत्साह के साथ और वर्किंग मोड में लाने के लिए पूरे सारे मंत्रालयों को, सारी सरकार को इस आशा के साथ प्रधानमंत्री जी ने एक नई टीम का एक तरीके से ऐलान किया है। और ये एक हम सब देश के सारे लोगों के लिए एक कुतूहल का विषय भी है, बड़ी चर्चा का विषय भी, कि ये मंत्रिमंडल का ये स्वरूप जो आया है, ये क्यों आया है, इसके क्या परिणाम होने, इसके इससे हम लोगों के जीवन पर, देश की व्यवस्था पर, शासन पर और भारत की अंतर्राष्ट्रीय जो स्थितियां हैं उस पर क्या फर्क पड़े। तो आज के इस पैनल में चर्चा के लिए डॉक्टर अनिल वर्मा, एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, अमित त्यागी जी शाहजहांपुर से, बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्तंभकार हैं, लेखक हैं, और मैं स्वयं अनुज अनुज अग्रवाल, संपादक डायलॉग इंडिया, आपके साथ यहाँ मौजूद हूँ। तो चर्चा की शुरुआत मैं सबसे पहले डॉक्टर अनिल वर्मा से पूछता हूँ, क्या आप किस रूप में देखते हैं नए नए मंत्रिमंडल को, मोदी जी का क्या कारण रहे इस मंत्रिमंडल के विस्तार के, और क्या बैकग्राउंड थी इस विस्तार के पीछे, थोड़ा सा इसको रेखांकित करेंगे। देखिए अनुज जी, जो मंत्रिमंडल का विस्तार है, क्योंकि जो कोरोना काल का समय गुजरा है उसमें बहुत सारे मंत्री की परफॉर्मेंस पे सवाल खड़े हो गए थे। वो चाहे स्वास्थ्य मंत्रालय हो, चाहे आपका टेलीकॉम हो या सूचना प्रसारण हो, उसके अंतर्गत जो मीडिया के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के द्वारा भारत की छवि कई जगह खराब हो रही थी। इसके अलावा भी 1.5 साल के आसपास हो गया, उसमें मोदी जी को जो कुछ ना कुछ चेंजिंग करने का लग रहा था, तो उस चीज के लिए उन्होंने, और विस्तार के साथ साथ उन्होंने कुछ बड़े चेहरे जिनकी परफॉर्मेंस पर सवाल था, उन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाई मोदी जी ने, उनके ऊपर कितना दबाव रहा होगा ये हम देख सकते हैं कि रविशंकर जी और प्रकाश जावड़ेकर जी का लास्ट मोमेंट पे इस्तीफा आया है, उसको देखते हुए सोचा जा सकता है, समझा जा सकता है कि किस दबाव के अंतर्गत ये नए मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। लेकिन अगर नए मंत्रिमंडल के चेहरों को देखें तो शायद ही अभी तक के राजनीतिक इतिहास में सबसे यंग मंत्रिमंडल है, सबसे जवान चेहरे इसके अंदर हैं, और पढ़े लिखे भी काफी चेहरे इसमें लाए गए हैं, और इस पर काफी माइक्रो लेवल पे मोदी जी ने काम किया है, और मोदी जी की जो सोच रही है अभी तक वो ऐसी रही है कि विकास के लिए वो परफॉर्मेंस देते हैं, विकास के लिए जो तरजीह देते हैं, विकास ही उनकी दृष्टि में रहता है, और उसके कारण वो बहुत चीजों को जो है दबाव को झेलने के बाद भी कार्य करते हैं, उसको हम साफ नजरों में देख सकते हैं। इसके अलावा इस मंत्रिमंडल में जो विस्तार दिया गया उसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी उभर करके आया है। इस बार 43 मंत्रियों में से 11 मंत्री महिलाएं बनाई गई, 11 जो मंत्री हैं महिलाएं बनाई गई, और देश के हर प्रांत से लगभग प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है, और यूपी के चुनावों को देखते हुए भी यूपी को भी पूरा पूरा जो इसके अंदर प्रतिनिधित्व दिया गया है। बाकी यूपी के बारे में अमित जी जो है कुछ विचार करना चाहेंगे। जी अमित जी, जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अभी आप बता रहे थे यूपी के बारे में, तो देखिए 2022 में यूपी के अंदर चुनाव होने आ रहा है, और ये चुनाव हमेशा ही एक बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव यूपी का चुनाव रहा है। यूपी के अंदर जो एक बड़ा परिवर्तन देखने को आया है कि एक जो बड़ा नाम है संतोष गंगवार, जो लगातार 8 बार से लोकसभा के सांसद है, उनका नाम कट किया गया है। शायद भाजपा उनको संगठन में भेजने का विचार कर रही हो, ऐसा भी संभव है। दूसरा बड़ा नाम जो है मेनका गांधी, वो एक बड़ा नाम रही है, उनको भी पूरे इस कार्यकाल में, जो दूसरा कार्यकाल है मोदी जी का, उसमें कोई भी उनको जगह नहीं दी गई है। उनके बेटे वरुण गांधी हैं, वो भी इसमें नहीं है। तो शायद ये भी हो सकता है कि गांधी परिवार की आवश्यकता अब जो है भाजपा को नहीं है, इसका एक ये भी इसका होता है। कुछ नए मंत्री इसमें जो इंक्लूड किए गए हैं वो नाम बड़े महत्वपूर्ण हैं, जैसे बीएल वर्मा का नाम है। बीएल वर्मा एक कल्याण सिंह के करीबी माने जाते हैं, और रुहेलखंड जो का क्षेत्र जो है, और खासतौर पर जो ब्रज प्रांत है उसमें बड़ा एक चर्चित चेहरा है। पिछली बार 2020 में जब राज्यसभा में मैं भाजपा उनको लेके गई थी, तो भी लग रहा था कि उनको एक बड़ा पद दिया गया है, राज्यसभा भी उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण लग रही थी, लेकिन अब उनको मंत्रालय दिया गया है। तो ये दिखा रहा है कि पिछड़ों के ऊपर भाजपा एक बड़ा काम करने जा रही है, उस पर उसकी निगाह है 2022 के संदर्भ में। एक ऐसी नाम अगर आप देखें तो लखनऊ की के जो पास की सीट है मोहनलालगंज, वहाँ से कौशल किशोर का नाम है, उनको मंत्री बनाया गया है। तो दलितों का भी उसमें रहा है। अब कौशल किशोर के संदर्भ में एक बात बड़ी महत्वपूर्ण ये है कि
कि अभी कुछ दिन पहले जब कोरोना काल में उनके परिवार में एक मृत्यु हो गई थी, उस पर उन्होंने योगी सरकार को सीधे सीधे सामने कटघरे में खड़ा किया था और उनको तीखे प्रहार किए थे। अब उनको केंद्र में मंत्री बनाया गया है, तो ये भी देखना महत्वपूर्ण है कि केंद्र और राज्य में दोनों में सामंजस्य है या दोनों को संतुलित करने के लिए उनको बनाया गया है, लेकिन जातिगत समीकरण को तो बिल्कुल ही साधा गया है। ऐसी एक नाम जो महत्वपूर्ण नाम है वो है अजय मिश्रा का। ये लखीमपुर से आते हैं। ये लखीमपुर वो जगह है जहाँ से जितिन प्रसाद चुनाव लड़ा करते हैं। जितिन प्रसाद लखीमपुर की ही एक लगी हुई लोकसभा है धोरहरा, वहाँ से चुनाव लड़ते हैं। भाजपा ने पहले जो जितिन प्रसाद के सामने जो चुनाव जीती थी रेखा वर्मा, उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पे लेके गए थे वो। तो अब जो है उसी क्षेत्र से लखीमपुर से अजय मिश्रा को जो ब्राह्मण नेता के रूप में है उनको केंद्र में राज्य मंत्री बनाया गया है। अब देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि एक तरफ तो भाजपा का आला कमान जितिन प्रसाद को बड़े ब्राह्मण नेता के रूप में यूपी में प्रोजेक्ट कर रहा है। उनके पिता स्वयं दो दो प्रधानमंत्रियों के राष्ट्रीय राजनीतिक सलाहकार रह चुके हैं, नरसिम्हा राव के सलाहकार रहे हैं, राजीव गांधी के रहे हैं। स्वयं जितिन प्रसाद 2004 से लेकर 2014 तक केंद्र में राज्य मंत्री रहे कांग्रेस की सरकार में, और अब भाजपा उनको लेके इसलिए आई कि वो ब्राह्मण नेता है जिससे ब्राह्मण उनके ओर आकर्षित होगा। और दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि उसी क्षेत्र से एक दूसरे ब्राह्मण नेता अजय मिश्रा को उन्होंने केंद्र में राज्य मंत्री बनाया। तो एक तरफ से लग रहा है कि जितिन को आगे बढ़ाने का भी प्रयास है ब्राह्मण नेता के रूप में, और दूसरी तरफ उनको संतुलित करने का भी प्रयास है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो स्वयं उसी पैटर्न पर चले जैसे कांग्रेस में नेता बड़े हो जाया करते हैं। तो इस तरह के कुछ नाम है, जैसे कि मुख्तार अब्बास नकवी को अभी इसमें जोड़ा गया है। एक नाम अनुप्रिया पटेल का बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। जो मोदी जी का प्रथम कार्यकाल था उसमें अनुप्रिया पटेल उनके साथ थी, बीच में उनकी थोड़ी सी अनबन हो गई और वो सरकार से थोड़ा सा अलग रही और वो बाहर थी, लेकिन फिर से अनुप्रिया पटेल को जो है इसमें राज्य मंत्री के रूप में किया गया है। तो जो पूर्वांचल की 40-45 सीटें हैं जहाँ पर अनुप्रिया पटेल और पटेल वोटों का खास तौर पर एक बड़ा प्रभाव रहता है, तो वहाँ पर भी एक समीकरण को साधा गया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो भाजपा का ये जो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर इस मंत्रिमंडल विस्तार को देखें तो इसमें दलित और पिछड़ों के द्वारा 2022 को साधने का प्रयास किया गया है। सवर्णों के रूप में अगर देखा जाए तो सिर्फ एक अजय मिश्र को जोड़ा गया है और अजय मिश्रा को जोड़ा गया है। दोनों ही नाम राजनीतिक रूप से बहुत बड़ा कद नहीं रखते हैं, लेकिन दोनों ही ब्राह्मण को माने ही गए। देखिए, अमित जी ने दो नाम लिए है, कौशल किशोर जी का और अनुप्रिया पटेल का। तो कौशल किशोर जी के बारे में चर्चा चल रही थी पहले, जब इन्होंने डायरेक्ट मोदी गवर्नमेंट पे जो कोरोना के वजह से जो अमित जी ने कहा अटैक किया था, तो उस समय से भी चर्चा चल रही थी कि शायद मायावती जी इनको अपने पाले में खींचने के चक्कर में थी और वो इन्हें कोई बड़ा ओहदा या बड़ा स्टेटस देने के लिए अपने पार्टी में तैयार थी। शायद उसको देखते हुए कौशल किशोर जी को संतुष्ट करने की कोशिश की गई है, क्योंकि कौशल किशोर जी वहां जितना बड़ा भी नाम रखते हैं। और उसके बाद अगर बात करें अनुप्रिया पटेल की, तो उनके ऊपर सवाल ये उठ रहा है मीडिया के अंदर, वो यही है कि अनुप्रिया पटेल को कुर्मी की वजह से जो उन्होंने लिया है, लेकिन गंगवार जी को हटा दिया। अब ये तो मोदी जी जाने, क्योंकि गंगवार जी भी कुर्मियों के नेता हैं और अनुप्रिया पटेल भी। तो अनुप्रिया पटेल को अगर गंगवार जी के साथ जो है तुलना करें, तो अनुप्रिया पटेल गंगवार जी के आगे कहीं भी नहीं ठहरती। ये कहा जा सकता है कि शायद राजभर को साधने के लिए, क्योंकि राजभर ने बड़ा परेशान कर रखा है यूपी में बीजेपी को अपने उसकी वजह से कुर्मियों के कारण, तो राजभर को साधने के लिए, कुर्मियों को साधने के लिए जो अनुप्रिया पटेल को मोदी जी लेकर के आए। देखो नहीं, मुझे मुझे लगता है कि देखिए दोनों चीजें चल रही हैं अनिल जी। जातीय समीकरण भी यूपी के इलेक्शन में चल रहे हैं और केंद्र में जो लॉज इन्फोर्समेंट है, लेबर लॉज को जो इन्फोर्समेंट करना है, उसमें एक जरा धाकड़ चेहरा चाहिए था। संतोष गंगवार जी एक सॉफ्ट चेहरा है। अब जो भूपेंद्र यादव जी आए हैं, वो थोड़े से इन 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 कामों में जरा टैक्टफुल भी हैं, वो प्यार से भी, मनवार से भी और टैक्टफुल्ली भी चीजों को बड़ी तेजी से इम्प्लीमेंट कराने की क्षमता रखते हैं। पुराने रणनीतिकार हैं, उनका बड़ा नाम है, बड़े पहुंचे हुए वकील भी माने जाते हैं तो, और कानून के अच्छे जानकार भी हैं, तो इसीलिए उनको रखा गया। और जहां तक मुझे लगता है, जिन जो अच्छे कद्दावर चेहरों को हटाया गया है, उनको कहीं ना कहीं पार्टी संगठन में उनको जगह दी जाएगी, तो कहीं ना कहीं संतुलन बैठाने की कोशिश करेगी। गंगवार जी एक अच्छा और सॉफ्ट चेहरा है भाजपा का और बहुत अच्छे कुर्मियों के बीच में उनका लोकप्रियता भी है और लगातार जीतते आए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनको दरकिनार कर दिया जाएगा। कहीं ना कहीं उनको जिम्मेदारियां अहम दी जाएंगी, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, वो बात आपकी सही है कि जो जिसको भी हटाया गया है उसको कोई ना कोई जिम्मेदारी देने की कोशिश की जाएगी, लेकिन
क्योंकि देखिए मंत्री मंडल जो की अगर करें तो जो मंत्री मंडल की आत्मनिर्भर अगर भारत बात करें अभियान मोदी सरकार ने चलाया हुआ है, या स्वदेशीकरण या तेजी से भारत में विदेशी निवेश की बात है, तो उसमें लेबर लॉज में रिफॉर्म बहुत जरूरी है जो लटके हुए हैं। और बीच में कोरोना की जो ये पिछले 1.25 साल की एक दौर आ गया जिसकी वजह से सारी चीजें अटक गई, रुक गई, अर्थव्यवस्था एकदम मंद पड़ गई और सब कुछ छितरा गया। अब उसको एक तरीके से ढर्रे पर लाने की कोशिश है, क्योंकि अगर अर्थव्यवस्था के हालात बिगड़ती रही तो फिर यूपी में चाहे कितने आप जाति संकरण बैठा लो या कहीं भी बैठा लो, वो सब सारा इनका इनका ओरा ही खराब हो जाएगा। अभी अभी मोदी सरकार की साख कहीं ना कहीं दांव पे लगी हुई है। मोदी जी की लोकप्रियता में भी बड़ी कमी आई है, लोगों में बड़ा आक्रोश भी है। तो हर तरफ बेरोजगारी है, काम धंधे है नहीं लोगों के पास, और कोरोना में बहुत सारे बीमार हुए, बहुत मौतें भी हुई हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो उसको भी रिकवर करना है। तो बिना इकोनॉमी की फास्ट ग्रोथ के, बिना तेजी से रिफॉर्म लागू किए, बिना उस उद्देश्य को भी हासिल नहीं किया जा सकता। तो अगले 5-6 महीनों में अगर ढंग से लेबर रिफॉर्म इंप्लीमेंट हो जाते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाता है, ग्राउंड पर डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा, वही रोजगार पैदा करेगा। लेकिन अगर बेरोजगारी ऐसी बढ़ती रही तो आप कितने भी आप कास्ट इक्वेशन सेट कर लो, आपको कोई वोट नहीं देगा। देखिए, तो दोनों संतुलन मुझे लगता है बनाए गए हैं। इसके अलावा अगर शिक्षा की बात करें, शिक्षा मंत्रालय की किसी भी देश के भविष्य को संभालने विकास के लिए शिक्षा सबसे बड़ी जरूरी चीज मानी जाती है। शिक्षा और स्वास्थ्य दो जब सबसे जरूरी चीजें होती हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में अभी तक शिक्षा मंत्रालय को कोई भी ढंग का मंत्री नहीं मिल पाया है जो शिक्षा मंत्रालय को ढंग से संभाल सके, एचआरडी को संभाल सके। मुझे जो लगता है यहाँ भी वही स्ट्रॉन्ग अप्रोच लगाई कि धर्मेंद्र प्रधान जो है काफी एफिशिएंट मैनेजमेंट उनका माना जाता है। हालांकि उनका अनुभव ज्यादातर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का है, लेकिन वो प्रधानमंत्री के बहुत प्रिय हैं और उनका एक एक जो चेहरा है वो ब्यूरोक्रेसी में है कि वो हावी होकर काम कराते हैं। निशंक जी ब्यूरोक्रेसी पर उस तरह से कंट्रोल नहीं कर पाए जिस तरह से उनसे उम्मीद थी। और पूर्व मुख्यमंत्री थे, शिक्षाविद भी रहे थे वो, और अच्छे विजनरी भी रहे, लेकिन वो जिस तरीके से अपनी क्षमताओं का उपयोग कर सकते थे कहीं ना कहीं वो ढीलापन दिखाई दिया। तो चूंकि अमित शाह जी के और मोदी जी के बहुत विश्वास पात्र हैं, इसलिए धर्मेंद्र प्रधान जी को ये जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि नई शिक्षा नीति को फोर्सली इम्प्लीमेंट कराना है। अदरवाइज जो सारे प्लानिंग है भारत की और जिस तरीके से शिक्षा नीति का डिजाइन किया गया है वो बहुत पीछे रह जाएगा। तो ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल का व्यक्ति चाहिए था जो जिस जिस पर ब्यूरोक्रेसी हावी ना हो जाए, तो वो उसको ध्यान में रख के ही ये निर्णय लिए गए। इस समय कोई शिक्षाविद को बनाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जहां जहां जिस मंत्रालय में रिफॉर्म की जरूरत है वहां पर उन्होंने ऐसे ही लोगों को बनाया गया जो स्ट्रोंग होल्ड रखते हो ब्यूरोक्रेसी पर, और जिन जिनको पीएमओ की बर्दाश्त हो, जिससे काम वो तेजी से इम्प्लीमेंट हो सके। ये मुझे एक विजन नजर आया प्रधानमंत्री जी के अप्रोच में, क्योंकि बहुत सारे मंत्रालयों में जब काम नहीं हो रहा था कोविड काल में तो प्रधानमंत्री जी को वर्किंग ग्रुप बनाने पड़े, कई मंत्री समूह बनाने पड़े। स्वास्थ्य मंत्रालय में तो एक तरीके से हर्षवर्धन जी सिर्फ चेहरा बन के रह गए थे, बाकी सारे काम आईसीएमआर और सब कभी एम्स के गुलेरिया साहब कर रहे थे या पॉल साहब कर रहे थे जो अपने प्लानिंग इसके नीति आयोग के सदस्य हैं। तो वो स्थितियां नहीं आए दोबारा से। ऐसे लोग जो उनको ये लगे ब्यूरोक्रेसी को कि हाँ ये इनका पास इफेक्टिव मैनेजमेंट कैपेबिलिटी भी है, उनको बर्दाश्त है पीएमओ की और गड़बड़ी नहीं कर सकते आप, तो वो एक एक मैसेज देने की कोशिश है। देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय की जो बात आपने करी उस पर हर्षवर्धन जी के ऊपर तो फिर वापस आना पड़ेगा मुझे, कि उनके ऊपर तो जो गाज गिरी है वो अननेसेसरी गिरी है, क्योंकि कोरोना काल में सिर्फ हर्षवर्धन जी ही स्वास्थ्य मंत्रालय को नहीं देख रहे थे, स्वयं तो मोदी जी भी। मैं कहना चाहूंगा इस बात नहीं, को मोदी समाज जी के को पास। इसलिए देखना पड़ा क्योंकि हर्षवर्धन जी वो उस मुद्दों पर इफेक्टिव नहीं रह पाए, इसलिए पॉल साहब को आगे किया गया, आईसीएमआर के डीजी को आगे किया गया, और इसलिए एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया। लेकिन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग भी नहीं ले पाते थे हर्षवर्धन जी, कई बार बस सिर्फ फेसबुक पे ही चेहरा दिखता था उनका सोशल मीडिया पे। लेकिन जो इफेक्टिव मैनेजमेंट होना चाहिए था, जो एक अपनी तरफ से उनकी पहल, इनिशिएटिव या कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए थे, उनकी कमी रही, और उनको सिर्फ जो इंस्ट्रक्शन मिलती उतना फॉलो करते रहे। तो जब पीएमओ को लगा कि सब इंस्ट्रक्शन हम ही देनी है, तो फिर उसकी जगह एक अच्छा रिप्लेसमेंट चाहिए। तो अब फिर वही स्वास्थ्य मंत्रालय में वही चीज आ रही है कि अब फोर्सली एक्सपेंड करना है पूरे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो एक ऐसा विश्वास पात्र चेहरा जो, या दवाइयों कंपनी की लूट को रोक लगाना है, या दवाइयों का प्रोडक्शन बढ़ाना है, या वेंटिलेटर के प्रोडक्शन बढ़ाने हैं, या वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाना, तो अब मोदी जी का एक विश्वस्त चेहरा गुजरात से अगर आता है तो कहीं ना कहीं एक अपना मैसेज चला जाता है कि हाँ भाई अब हीला हवाली नहीं चलेगी, इफेक्टिवली और फास्ट ट्रैक पर काम करना पड़ेगा।
नहीं, आपने अगर मैसेज की बात करी गुजरात से आते हैं तो मैसेज तो फिर ये भी जा रहा है ना, जो मीडिया में चर्चा है कि गुजरात से जो है मोदी जी ने अपनी बागडोर अपने हाथ में रखी है एक तरह से। ये तो बागडोर तो मोदी जी के हाथ में रहेगी, प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री आदमी बागडोर रहती है, तो स्वाभाविक प्रश्न है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। ये तो जनता का महत्वपूर्ण मैंडेट चीज है, वो ये आप है अपने कि हिसाब से कर सकते हैं। महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो स्वास्थ्य मंत्री जो मनसुख भाई बने हैं उनके पास रसायन मंत्रालय भी है, तो ये स्वास्थ्य मंत्री और दोनों का जो कोऑर्डिनेशन है शायद दवाइयों के संदर्भ में ये भी कुछ एक रूपरेखा आगे रखेगा। और दूसरी चीज है कि जो जो फर्टिलाइजर है या केमिकल्स हैं या जो पेस्टिसाइड है उनका यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया, अतिशय यूज बढ़ गया, या दवाइयों में फार्मा कंपनियों का, जैसे कल रामदेव जी ने आरोप लगाया कि फार्मा कंपनियों के हिसाब से चीजें डिजाइन हो रही हैं, बीमारियों का उनका कोऑर्डिनेशन। तो मुझे लगता है कि अब चूंकि दोनों मंत्रालय मिल गए हैं तो अब वो कोई एक्सक्यूज नहीं बचेगा उनके पास, और उनको इस पर इफेक्टिव, जब इस तरह से बातें उठी और जिस तरह हम लोगों ने बड़ा कैंपेन किया कि मेडिकल माफिया से गेम खेल कर रहा है, तो उनको अब उस पर कहीं ना कहीं रोक लगानी पड़ेगी। और अगर मेडिकल वो नहीं माफिया करते से तो तो ये मोदी जी की सबसे आखिरी परीक्षा होगी, अगर यहाँ खरे नहीं उतरेंगे, अगर इनके मंत्रालय के मंत्री काम नहीं करेंगे तो ये टोटल फेल्योर वाली स्टेज में सरकार आ जाएगी। जी, सही कहा आपने। और रही बात मेडिकल माफिया की, तो उसके ऊपर तो हम जो है एक अलग से पूरा प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि मेडिकल मेडिकल माफिया का तो जो आतंक बढ़ रहा है देश में ही नहीं दुनिया में, वो बहुत बड़ा है। और जहां तक कोरोना का भी मेडिकल माफिया के साथ डायरेक्ट संबंध है, इस पर आप भी कई बार लिख चुके हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें सबसे कुछ बड़ी और बात नहीं मुझे लग करो। रहा है कि आज के जो डाटा है, बीच में कोरोना के पेशेंट जो 35,000 के आसपास पहुंच गए थे, फिर 45,000 के आसपास आ गए, फिर बढ़ने शुरू हो गए। कई सारे यही जिलों में यही संक्रमण बढ़ा है, सबसे क्योंकि बड़ी डेल्टा चीज है कि वेरिएंट, अभी डेल्टा से प्लस आ गया है, डेल्टा उसके और वेरिएंट आ रहे हैं, तो ये स्थितियाँ अभी आगे क्या ले जाती हैं, ये भी बड़ी बड़ी चुनौती रहेगी मोदी सरकार के लिए, कि अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है, बढ़ता है या मौतें बढ़ती हैं, उससे अर्थव्यवस्था जो सिकुड़ेगी और सारे मंत्रालयों के कामकाज पर असर पड़ेगा, उससे ही कैसा नया मंत्रिमंडल उसको कैसे सामना करेगा। क्योंकि अब ये है कि जब एक सरकार ही कहती है जनता से कि कोरोना के साथ रहना अब आपको सीखना पड़ेगा, ये साथ रहेगा आपके, लहरें आती जाती रहेंगी, उसके बीच में सरकार अपना काम कैसे लगातार बनाए रखेगी, वो मैकेनिज्म चाहिए अब सरकार से। तो जी, मुझे लगता है कि अभी ये एक बड़ा मंत्रालय और रहा है, वित्त मंत्रालय, जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था के लिए और कोरोना काल के हिसाब से सबसे जरूरी था। उसके ऊपर मोदी जी ने, क्योंकि निर्मला जी के ऊपर, वो वैसे बहुत अच्छी धाकड़ नेता हैं, बहुत अच्छी लीडर हैं, लेकिन उनके नेतृत्व पे वित्त मंत्रालय पे सवाल उठते रहे हैं, भारत में भी, देश में भी और देश के बाहर भी, और समय समय पर लोग सवाल उठाते रहे हैं। तो उसके ऊपर मोदी जी ने कुछ एक्शन नहीं लेते हुए दिखाई दिए, मोदी जी ना तो कोई मुझे अच्छी लगता फिगर्स है बड़े आए वहां कि से। उसमें निर्मला अर्थव्यवस्था रहे, बिगड़ रही है, सिकुड़ रही है, तो कोरोना के लॉकडाउन की वजह से हो रही थी, उसमें निर्मला जी का सीधा हाथ नहीं था, वो दोषी मंत्री आ रहे थे, जैसे जैसे इस समय जो हालात है मोदी जी को दोषी ठहराया जा रहा है, लेकिन अब महा आपदा आई तो उसमें मोदी जी के मैनेजमेंट में कमी नहीं आई, वो तो बेचारे लगातार 24 घंटे लगे रहे, निर्मला जी भी लगी हुई है, लेकिन जब स्थितियां ही आपके काबू में नहीं, आपके पास पैसा ही नहीं आ रहा तो बांटोगे कहाँ से। ये स्थितियां है, निर्मला जी का अपना डायरेक्ट रोल नहीं रहा, लेकिन जहां पर जैसे हर्षवर्धन जी डायरेक्ट रोल प्ले कर सकते थे उन्होंने नहीं किया, या निशंक जी रोल प्ले कर सकते थे उन्होंने इफेक्टिव नहीं किया, एजुकेशन सिस्टम टोटली कलप्स हो गया और निशंक जी कुछ नहीं कर पाए, तो वो इसी बीच में अल्टरनेटिव मॉडल डेवलप कर सकते थे कुछ भी। अब पीएमओ या प्रधानमंत्री या 2-3 मंत्री ही सब कुछ नहीं कर सकते, तो इस अपेक्षाओं से मंत्री बनाए जाते हैं कि वो क्राइसिस मैनेजमेंट कर सके, वैकल्पिक नीतियों पर काम कर सके, उन्हें सहमति चाहिए होती है प्रधानमंत्री की, लेकिन प्रधानमंत्री ने कभी भी नई पहल के लिए मना नहीं किया था, तो वो कहीं ना कहीं एक या उनमें घबराहट थी या पहल की कमी थी या डर था या जिस भी वजह से रहा हो। अब पीयूष गोयल जी रेल मंत्रालय संभाल लेते, कितना अच्छा काम किया उन्होंने, और एक नए लेवल पे आए, और आगे जो अब दिया गया है पीयूष जी को दूसरी जिम्मेदारी दे दी गई, क्योंकि अब कहीं और ज्यादा बेटर मैनेजमेंट की जरूरत थी, और एक नए मंत्री वैष्णव जी उनको रेल मंत्रालय में ले आए, वो भी बड़े अच्छे टेक्निकल स्किल्स वाले, सिविल सर्वेंट भी हैं, वो भी अटल जी के समय से उनके मतलब ओएसडी रहे हैं, एक बड़ा अच्छा चेहरा रहे हैं, तो जो नए चेहरे लाए भी गए हैं उनका अनुभव भी, उनकी क्वालिफिकेशन भी और उनका मैनेजमेंट स्किल भी, सबको ध्यान रखा गया है मुझे लगता है। तो जो उन्होंने अपने जो कोर कोर मिनिस्ट्रीज हैं उनमें पकड़ ढीली नहीं होने दी, उनमें अच्छे स्तर के प्रशासक व्यक्तित्वों को ही स्थान दिया गया है, राज्य मंत्री के रूप में प्रयोग कर लिए गए हैं, कुछ लोगों को राजनीतिक रूप से अकोमोडेट भी किया गया, लेकिन जो कोर मिनिस्ट्रीज हैं उसमें मुझे लगता है कैबिनेट उनकी जो अपनी है, वो सारे के सारे मंत्री इक्का दुक्का पे मैं नहीं कह सकता प्रश्न उठा, लेकिन एक मिनट ओवरऑल है, एक 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 अच्छा संकेत
देती हुई मंत्रालय है। कम से कम विपक्ष को भी मैंने देखा कल सब तक जो रिएक्शन आई है, मतलब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है कहने के लिए। लेकिन अमित जी एक, क्या कहेंगे आप? हाँ जी अमित जी बोलिए। जी, जैसे ये है कि इसमें जो एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि अमित शाह के पास जो है गृह मंत्रालय के साथ साथ सहकारिता मंत्रालय भी है, और सहकारिता का प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि जो 2017 में उत्तर प्रदेश की जो जीत थी उसमें सहकारिता का बड़ा योगदान था। उत्तर प्रदेश में जब भी समाजवादी पार्टी की जीत होती थी तो इसकी वो जो है उसमें मुलायम सिंह का चेहरा होता था, और समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव का जो सहकारिता का अनुभव है, जिस तरह से उनकी पकड़ थी, उसके आधार पर समाजवादी पार्टी जीतती थी। 2015 के बाद से अमित शाह ने जब से यूपी में सहकारिता पे काम करना शुरू किया, तो आज सहकारिता के जितने भी बड़े पद हैं वो सब भाजपा के पास है। और आज भी जो है जब देखते हैं इसमें जो नए मंत्रिमंडल विस्तार में गृह मंत्रालय के साथ सहकारिता अमित शाह के पास होना, इस बात को दिखाता है कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर हम बात करें तो नहीं, वो ये तो अमित बीजेपी जी की। महाराष्ट्र में, गुजरात में भी सहकारिता का मूवमेंट बहुत बड़ा, कर्नाटक में बहुत बड़ा मूवमेंट है, और अमित शाह जी ने तो गुजरात में पूरा सहकारिता मूवमेंट को लीड किया है एक तरीके से। जी, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इसलिए महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जो जीत का बड़ा आधार बनता था वो हमेशा सहकारिता ही बनता था। जब से शिवपाल यादव अलग हुए हैं तो अखिलेश यादव को सिर्फ लगता है कि उनके चेहरे पे वोट मिलते, जबकि ऐसा नहीं है। चेहरा उनका अवश्य है लेकिन पीछे सहकारिता वाली चीजें काम करती थी, और शिवपाल के अलग होने से सहकारिता वाला पक्ष उनका कमजोर हो गया है। और दूसरी तरफ अमित शाह को देखें तो वो भाजपा के संदर्भ में सहकारिता पे बड़ी तेजी के साथ काम कर रहा है। 2017 में भी यही तो जीत अमित का जी, आधार क्या बना आपको था। लगता है कि ये किसान आंदोलन से भी इसका कहीं जुड़ा हुआ है मंत्रालय का वो? कहीं ना कहीं बिल्कुल जुड़ा हुआ है किसान आंदोलन में। अगर आप देखिए तो किसान आंदोलन में जैसे राकेश टिकैत लगातार बैठे हुए हैं और अब सहकारिता वाला इनका ये है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ तो चीजों में परिवर्तन करने की तरफ ये बढ़ेंगे। दोनों का चीजें तो जुड़ाव करती हुई दिखती है, लेकिन अब जमीन पे एग्जीक्यूशन बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है। एक बड़ी चीज है कि जैसे कि आप जन कल्याणकारी नीति के ऊपर केवल चुनाव नहीं जीत सकते यूपी का। यूपी में की बात मैं बार बार कर रहा हूँ क्योंकि यूपी बड़ा महत्वपूर्ण होने आ रहा है। यूपी में जैसे अभी आपने कहा कि आर्थिक रूप से हालात बड़े खराब है, जमीन पे लोगों में बड़ा गुस्सा है, मोदी जी के लिए भी गुस्सा है। योगी जी ने 1 महीने में कोरोना को संभाल लिया, लेकिन जिनके परिजन चले गए हैं उनमें आज भी बहुत गुस्सा है। अब सहकारिता वाला विषय है या बाकी विषय हैं, इनके आधार पे भी जितना कितना जमीन पे एग्जीक्यूशन करते हैं इसके आधार पे 2022 का यूपी तय होगा। क्योंकि देखिए जो भी राज्य मंत्री इन्होंने बनाए हैं उसमें महत्वपूर्ण ये है कि किसी के पास भी ऐसा बड़ा पोर्टफोलियो या इस तरह का नहीं दिया गया जिसका यूपी को फायदा हो। देखिए जैसे मैं लिस्ट को देख रहा था कि कौशल किशोर के पास आवास और शहरी का राज्य मंत्री है, तो इसका बहुत बड़ा फायदा अगर देखें तो यूपी में नीचे नहीं आ रहा है। इनको अजय भट्ट को उन्होंने रक्षा का राज्य मंत्री बनाया है, तो वो राजनाथ सिंह के साथ ही है, उनके साथ उनकी ट्यूनिंग चलेगी। अनुप्रिया पटेल को देखते हैं तो वो वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री है, तो उनका भी कोई महत्वपूर्ण नहीं इस तरह से यूपी में योगदान नहीं होने आ रहा है। बीएल वर्मा को देखें तो वो उत्तर पूर्वी के विकास मामले हैं उसको देख रहे हैं। तो जितने भी मंत्रालय राज्य मंत्रियों के यूपी में दिए गए हैं उनका यूपी में कोई ज्यादा बड़ा फायदा नहीं हो रहा है, सिर्फ जातिगत समीकरण के आधार पर ये लोग राज्य मंत्री बना दिए गए हैं पूरे प्रकरण में। तो इसमें खास बात यह है कि किसानों का इतना बड़ा आंदोलन हुआ और किसान काफी समय से बैठे हुए हैं, लगभग 1 साल थोड़े समय को हो जाएगा, उसके बाद नरेंद्र सिंह तोमर नहीं हटाए गए। कृषि यही मंत्री मैं पे, कहने वाला था। जी कृषि मंत्री पे अभी भी प्रधानमंत्री का अगर भरोसा है तो कहीं ना कहीं ये तो ये दिखाता है कि उस मूवमेंट को प्रधानमंत्री स्वयं लीड कर रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर अभी भी इसको वहीं पर मौजूद हैं। दो संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि इसको भरोसा कह सकते हैं या नरेंद्र सिंह तोमर की जो है एमपी में दबदबा कह सकते हैं, कि उनका एमपी में इतनी पकड़ है, क्योंकि ये जो सरकार बनी थी शिवराज सिंह जी की, उस समय शायद आपके पास भी खबरें आई हो, उन खबरों को मीडिया में सब खूब चला था कि इसमें सबसे बड़ा योगदान नरेंद्र सिंह तोमर जी का, और उस सरकार को रीस्टेब्लिश करने में नरेंद्र सिंह तोमर ने बहुत कुछ किया है। तो उस चीज का प्रतिफल है कि किसान आंदोलन के फेलियर होने के बाद भी तोमर साहब अभी तक जो है मंत्रिमंडल में टिके हुए हैं। नहीं ये भी एक वजह और होती मुझे है, लगता है लेकिन तोमर अगर जी ने सिर्फ सबसे लेकिन अगर सिर्फ यही वजह होती तो उनको किसी दूसरा भी मंत्रालय मिल सकता था, वो भी वो प्रमोशन के रूप में भी दे नहीं सकते थे। लेकिन एमपी से जो एक नई बात जो मीडिया में चल रही है, आप और हम भी देख रहे हैं कि जो मंत्रालय जो अभी नहीं से बाहर से आने वालों के लिए जो है अच्छा फल मिला है उनको, उनके जी जो ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि जो बीजेपी के जमीनी कार्यकर्ता रहे हैं उन लोगों को कई जगह इग्नोर किया जाता रहा है और किया गया है, इस बात में कोई भी जो है डिनाई नहीं, कटोरा है नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल
और इस मंत्रिमंडल में भी बाहर से आने वाले चेहरों के लिए उनको मतलब फ्रूटफुल रहा है, उनके लिए काफी फलदायी रहा है ये सब कुछ। अब ज्योतिराज आयातित सिंधिया चेहरे को जो तो हैं उन देखिए पे आप। भाजपा लगातार ज्यादा भरोसा कर रही है, अपने कार्यकर्ताओं को केवल दरी बिछाने के लिए हाँ उन्होंने रख रखा है। हाँ आप ज्योतिराज को देख लीजिए कि उनको कितना बड़ा मंत्रालय दिया गया है। एविएशन मिनिस्ट्री को भारत सरकार का सबसे बड़ा मंत्रालय का दर्जा प्राप्त माना जाता है अभी तक, और वो मंत्रालय जो है ज्योतिरादित्य को दिया गया है, जो कि भाजपा में नए आए हैं और भाजपा में जितने पुराने चेहरे हैं उनको नहीं अजमाया गया वहां पर। तो ऐसे अनेक चेहरे हैं जिनको मतलब, अब इसको इस संदर्भ में भी कह सकते हैं कि भाई राजनीति है, राजनीति में गोटियां फिट करनी ही पड़ती हैं, या राजनीति में कुछ ना कुछ लेना देना होता ही रहता है, इस संदर्भ में भी देख सकते हैं। लेकिन कहा यही जाएगा कि भाजपा में बाहर से अम्ब्रेला, जो अम्ब्रेला जिनको अम्ब्रेला कैंडिडेट कहते हैं, उनको ज्यादा मजा मिलता है, चाहे वो दिल्ली रही हो चाहे वो पूरे देश में कहीं रहा हो। अब दिल्ली को भी देखे हैं, मीनाक्षी लेखी जी को लेकर के आए हैं, लेकिन उनको मंत्रालय क्या दिया है? मीनाक्षी लेखी जी को लेकर के आए हैं, दिल्ली का प्रतिनिधित्व हमेशा दिल्ली का प्रतिनिधित्व रहा है मंत्रिमंडल में, लेकिन इस बार दिल्ली का प्रतिनिधित्व गायब कर दिया गया मंत्रिमंडल से, उनको सिर्फ एक एक्सटर्नल अफेयर का जो है राज्य मंत्री बनाकर छोड़ दिया गया है। अब बताइए उनके मतलब दिल्ली, दिल्ली देश की राजधानी होने के बाद उसका जो है मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व नहीं है, तो ये एक बहुत जी बड़ा सवाल है। आप दिल्ली को जीतना चाहते हैं आगे, अभी दिल्ली में भी जैसे यूपी में बेशक बड़े चुनाव है, लेकिन दिल्ली में भी 6 महीने बाद निगम के चुनाव तो है ही है ना, और उसका काफी बड़ा संकेत जाता है, लेकिन वो संकेत देने की कोशिश नहीं की गई है, उल्टा दिल्ली का प्रतिनिधित्व जो था उसे हटा दिया गया और कोई नया, चलो डॉक्टर हर्षवर्धन को हटाया कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम दिल्ली का प्रतिनिधित्व होना चाहिए था ना मंत्रालय के अंदर। हाँ, उस तरह से अनुपात में आपका कहना है कि वो नहीं मिला जिस तरह दिल्ली को मिलना चाहिए। पॉइंट नहीं, जितना सुन सात में सकते से हैं एक मेरे। बनता है, मैं उस चीज के उसके लिए कोई मनाही नहीं है, सात में से एक बनता है, लेकिन मंत्रालय क्या है, ये तो सवाल है ना, जी मंत्रालय का क्या मंत्रालय? ये एक बड़ा सवाल है कि आप मंत्रालय क्या दे, राजधानी को क्या मंत्रालय दे रहे हैं यार? शायद राज्य मंत्री का पद दिया गया है उनको। राज्य मंत्री का पद दिया है उनको, वो भी एक्शन अफेयर का, जिसका कोई मतलब क्या रोल है वो आप भी जानते एक्सटर्नल हैं। तो खुद जयशंकर जी और वो लोग अपने हाथ में लेके चल रहे हैं। तो जैसे विदेश मंत्री होता है प्रैक्टिकली, या फिर सीधा प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होता है। राजमंत्री को तो खाली जो है एक लॉलीपॉप के रूप में पकड़ा दिया जाता है। ठीक है, राजनीति में थोड़ा बहुत समझौते चलते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां इस बार मोदी जी राज्य मंत्रियों के लिए बढ़ाएंगे, क्योंकि कई चेहरे बहुत अच्छे हैं, इफेक्टिव हैं, जिनको कुछ कार्यभार दिया जा सकता है। कई बार तो कुछ ऐसे ग्रामीण स्तर के नेता मेरा होते हैं सवाल या आपसे दिल्ली जाति से के आधारित है, नेता होते हैं कि उतने अच्छे नहीं होते, नहीं लेकिन अनिल अगर जी, अच्छे मेरा सवाल चेहरे आप हैं। दिल्ली से है, मेरा सवाल आप दिल्ली से हैं और राजनीति की पकड़ रखते हैं, मेरा सवाल आपको दिल्ली से लेकर के, दिल्ली देश की राजधानी है और वहाँ मंत्रिमंडल में देश की राजधानी के मंत्री को मंत्री पद का दर्जा नहीं है, राज्य मंत्री दिया जा रहा है, केंद्रीय मंत्री पद का दर्जा नहीं है, ये एक बड़ा सवाल है। कोई बात नहीं, पहले मिलते रहे तो ये तो साइकिल चलता रहता है, उस ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। आप प्रधानमंत्री तो देश में, देश के पूरा मंत्रिमंडल यहीं दिल्ली में बैठा हुआ है, तो वो कोई ऐसी समस्या नहीं है। और अगर राजनीतिक आईने से देखा जाए तो दिल्ली, दिल्ली के सांसदों ने दिल्ली में भाजपा की सरकार बनाने में कोई योगदान नहीं दिया। अगर दिल्ली में दूसरी पार्टी की सरकार है तो कहीं ना कहीं वो भी उनको भी सजा मिलनी चाहिए। अब बंगाल में जब नेताओं ने अच्छा नहीं किया तो सबको हटा दिया गया, नए लोगों को लाया गया, तो ये एक प्रक्रिया चलती रहती है। तो इसको हम सजा मानते इस बहाने थोड़ा सा ग्राउंड पे काम करेंगे नेता दिल्ली के तो अच्छा रहेगा। दिल्ली के सांसद जो है उनको एक सबक भी है कि भाई आप लोग जमीनी स्तर पर काम करो और दिल्ली में भाजपा की सरकार बनाओ। अब आगे नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं, उनमें कुछ इफेक्टिव ऐसा काम करें कि भाजपा द्वारा से आ जाए तो उसका पुरस्कार मिल सकता है आगे। तो एक चेतावनी भी है, एक आगे का टास्क भी है। लेकिन एक एक बड़ा जो बदलाव मुझे दिखता है, चाहे आईटी मिनिस्ट्री में हो और चाहे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग हो, ये दोनों बड़े बदलाव हैं और बड़े जरूरी बदलाव भी थे, क्योंकि संघ परिवार की तरफ से भी, संघ की तरफ से भी मैसेज आया हुआ था कि भाई इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर जो है वो सही काम नहीं कर रहे हैं। प्रकाश जावड़ेकर पुराने संघ के प्रचारक भी रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अश्लीलता और गंदगी फैलाई जा रही थी और वो रोकने में कामयाब बात नहीं रहे। इधर
मीडिया में जिस तरह सरकार विरोधी खबरें चलनी, चाहे देसी मीडिया चाहे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हो, उससे भी प्रकाश जावड़ेकर की स्थिति बहुत खराब हुई। अब अनुराग ठाकुर एक नए चेहरे के रूप में आए हैं और इनको बड़े भरोसेमंद माने जाते हैं अमित शाह जी के, मोदी जी के, और पुरानी बैकग्राउंड है, शांता कुमार जी के बेटे हैं, और अपना जितना भी कार्यकाल है उसमें मतलब जितने मंत्रालयों में रहे अभी तक एक अच्छा प्रभावी चेहरा रहे और युवाओं में जी उनका तो प्रमोशन हो गया। हाँ, तो आईबी मिनिस्ट्री उनको मिली है, यूथ और स्पोर्ट्स मिली है, तो एक अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी भी है और उससे भी बड़ा है कि इस चैलेंज को अगर वो नहीं निभा पाए तो उनके लिए उनका फ्यूचर डार्क में हो जाए, क्योंकि संघ का दबाव है। ये दोनों मिनिस्ट्री संघ की पसंदीदा मिनिस्ट्री है, एक तरीके से वो संघ की पसंद से आए हैं। युवा और खेल मामले भी कहीं ना कहीं संघ के पसंदीदा मंत्रालयों में, और दूसरा सूचना प्रसारण मंत्रालय पर भी संघ की सरकार दोनों की दृष्टि थी, क्योंकि सरकारी विरोधी खबरें बहुत बुरी तरह चल रही थी और जिस तरह से बेलगावा हो गए थे ओटीटी प्लेटफॉर्म, उसका ही बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था समाज पर। अच्छा, रामविलास कैसे इसको टैकल करते हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। रामविलास पासवान जी का मंत्रालय तो उनके भाई को ही दे दिया गया वापस। नहीं नहीं, उनको नहीं मिला, उनके भाई को तो फूड प्रोसेसिंग मिला है, जो अकाली दल के पास था ना, हरसिमरत कौर बादल के पास, वो फूड प्रोसेसिंग मिला है। अच्छा मंत्रालय में चिराग पासवान को तो जो है किनारे लगा, इस तरह से किनारे लगा दिया गया चिराग पासवान को, तो अब राजनीति है वो, अब जब ये नीतीश कुमार जी की राजनीति थी है जो उनके साथ हुई है उनकी पार्टी की, तो उन्होंने उसके उस साथ अपनी ट्यूनिंग बैठा ली है, चिराग पासवान के साथ उनकी ट्यूनिंग नहीं बैठी, तो राजनीति में ऐसे खेल चलते रहते हैं। अब इसको तो एकोमोडेट करना पड़ता है, राजनीति को सीधे सच्चे खेल तो होते नहीं, थोड़ा कहीं ना कहीं लहरा के आगे बढ़ा जाता है, तो वो अपना काम कर रहे हैं उसको, ठीक है। मोदी जी का डायरेक्ट उसमें रोल भी नहीं है, बीजेपी का रोल नहीं है। चलिए, अब नए मंत्रिमंडल से आपको कितनी जल्दी क्या उम्मीदें हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ये सबसे मुश्किल काम है, और अब जब ज्यादा मंत्री हैं तो सरकार एक दिखने लगी। एक्चुअली पिछले 15 महीनों में सरकार दिखनी बंद हो गई थी, 5-7 मंत्री दिख रहे थे और वो सब बयानबाजी ज्यादा हो रही थी सोशल मीडिया पे या मीडिया के सामने आके बातें कर देना, लेकिन जमीन पे काम ही नहीं थे। तो कोरोना की वजह से लॉकडाउन था, लोग मंत्रालयों में भी नहीं आ रहे थे, मंत्रालयों में कर्मचारी भी नहीं आ रहे थे, और जिस तरीके सरकार को करना चाहिए था जमीनी स्तर पर काम, वो काम नहीं किए गए, ये सच्चाई है। जिस तरीके से योगी जी ने उत्तर प्रदेश में अपने कोरोना से ठीक होने के बाद इफेक्टिव मैनेजमेंट किया, पूरे देश प्रदेश का दौरा किया और जमीनी स्तर पर सरकारी मशीनरी को सक्रिय किया, और आज की डेट में यूपी से कोरोना पूरी तरह सफाया, तो ऐसा उदाहरण हमारे केंद्र के मंत्री भी पेश कर सकते थे, लेकिन किसी ने भी नहीं किया ये काम, और ये एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वो ही स्थितियां अभी बरकरार है, कुछ भी बदला नहीं है, सिर्फ मंत्रिमंडल का स्वरूप बदला है और चेहरे बड़े हैं। अगर ये जमीनी स्तर पर उतर के काम नहीं करेंगे, अगर ये प्रशासन पर और सरकारी कर्मचारियों पर नीचे तक पकड़ नहीं बनाएंगे, सरकारों को विश्वास में लेकर इफेक्टिवली काम नहीं करेंगे जमीनी स्तर पर, तो स्थितियां फिर बिगड़ जाएंगी, जितनी बिगड़ी हैं उससे ज्यादा बिगड़ जाएंगी, और फिर कोई भी उपाय मोदी सरकार की लोकप्रियता को कम करने का मतलब को बढ़ाने में मददगार साबित नहीं होगा। तो ये बहुत मतलब एक तरीके से ब्रह्मास्त्र छोड़ा है मोदी जी ने, जो भी आज कल छोड़ा है, तो अगर ये असफल रहा तो इसके परिणाम भी बहुत खतरनाक हो जाएंगे और विपक्ष हावी हो जाएगा। चलिए इसे कंक्लूड करते हैं, अमित जी आपके क्या विचार हैं अंत में? ये देखिए, जो दूसरा कार्यकाल उसमें मोदी जी का रहा और उसमें जो उन्होंने ये मंत्रिमंडल विस्तार किया है, तो उसमें काफी नए चेहरे वो ले आए हैं। अब ये देखना है कि इनको इनको तजुर्बा कितना है और ये किस तरह से ये जो है इसको एग्जीक्यूट करते हैं, जो भी पॉलिसीज उनको मिलती है। क्योंकि अगर ये सबसे बड़ी कमी रिसोर्सेज की आ रही है, आपके पास पैसा नहीं है, टैक्स कलेक्शन नीचे है, कोई भी डेवलपमेंट का काम बिना पैसे के नहीं होने वाला। अभी जून के जो आंकड़े आए जीएसटी के, वो 8 महीनों पहली बार 1 लाख करोड़ से नीचे के आ गए हैं। 1 लाख करोड़ में सरकारी खर्चे नहीं निमटते हैं, उनके वेतन ही निमटते हैं, तो आप डेवलपमेंट कवर कैसे करोगे? सबसे बड़ी चीज ये आ रही है। तो इकोनॉमी को एक्टिवेट करना वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, उसी से सारी चीज शुरू होगी। उस जब अर्थव्यवस्था का पहिया घूमेगा, सारी चीज घूमनी शुरू हो जाएंगी। तो अब तो सबसे बड़ी टास्क ये है कि अर्थव्यवस्था का पहिया घूमना चाहिए, चाहे उत्तर पूर्व के मंत्रालय की भागीदारी बढ़ा लो, चाहे दक्षिण के मंत्रालय की भागीदारी बढ़ा लो, चाहे महाराष्ट्र की बढ़ा लो, चाहे गुजरात की बढ़ा लो, चाहे यूपी की बढ़ा लो, राजनीति तो हो सकती है उस पर,
लेकिन अगर अर्थव्यवस्था का पहिया नहीं घूमा तो राजनीति भी धरी रह जाएगी। तो मुझे लगता है अकेली टास्क जो है और सबसे बड़ी टास्क जो है सरकार का, कोरोना के साथ अर्थव्यवस्था कैसी चलती रहे उसके साथ, जो इन्होंने कहा ना हमें इस बार दूसरी लहर में सबसे बड़ा काम यही किया कि कहीं पर भी इंडस्ट्रीज को नहीं बंद किया गया, लेकिन जब मार्केट बनते तो पूरी सप्लाई चेन टूटी हुई थी, फिर उनको खरीदने वाले लोगों की चेन टूटी हुई थी, तो वो प्रक्रिया कैसी हो, रोजगार भी ना जाए, आधुनिकरण भी हो जाए, अर्थव्यवस्था ही चलती रहे और कोरोना की हम लड़ाई भी लड़ते रहे। तो ये एक बहुत अभूतपूर्व चुनौती है और दुनिया की लगभग हर सरकार इसको फेस कर रही है, क्योंकि तो विदेश से इन्वेस्टमेंट पावर आप कर रहे इतनी हैं, तो नहीं है विदेश कि में वो सामान खरीद हर हर सके। देश की हालत खराब है, तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा, सब चलिए जगह अतिरिक्त मुद्राएं छाप छाप कर खर्चे पूरे किए जा रहे हैं, तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई 1.5 गुनी 2 गुनी हो गई है बहुत सारी चीजों की, तो उसमें जनता की जब आमदनी आधी हो रही है और महंगाई दुगनी हो रही है तो वो कैसे सर्वाइव करेगी। हमने चलिए क्यों अंत अपना में, ऑयल चलिए प्रोडक्शन नहीं बढ़ाया, ये एक बड़ा प्रश्न है। इसे अरविंद पदार कर्तव्य, जी मैं इसको समाप्त करते हैं अभी यहाँ पर, जी और इस शुभकामनाओं के साथ मोदी मंत्रिमंडल को शुभकामनाओं के साथ कहते हैं, क्योंकि अभी लगभग अगर मैं अपना विचार व्यक्त करूँ तो 3 महीने तो मंत्रिमंडल को सेट होने में ही लग जाते हैं, क्योंकि जी कार्यभार संभालने जी के बाद जी अपने हिसाब से सारा कुछ सेट करना होता है, अपने अपने ऑफिसों को देखना होता है, समझना अपने मंत्रालय होता को है। समझना होता है, उसकी पॉलिसी को हाँ, समझना होता है, अपनी अपनी तो टीम तीन बनानी से होती छह है। 3 से 6 महीने तो लगभग इसी काम में लग जाते हैं, तो ये समझिए कि ये साल तो जो 2021 का है हम इसी उसमें देखेंगे, और उसके बाद क्या प्रतिफल निकल करके आता है नए मंत्रिमंडल का, वो उसके ऊपर हम फिर एक बार चर्चा करेंगे। इसी के साथ सभी दर्शकों को नमस्कार, अमित जी को नमस्कार, नमस्कार, और अमित धन्यवाद जी आपको भी नमस्कार, और हम धन्यवाद अनिल जी, धन्यवाद अमित जी।